जातीवाला अगले दिन मंगोल बगैर किसी रीजन के वो वहां से अवतार उसी तरह चले गए जैसे अटिला ने हूं रोम के दरवाजे से चला गया था। ये किताब जो है इसमें हसीन जो है ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी कबूलियत की भी उसी वक्त का हमें दलील मिली जब ये सुबह ये बात का पेश आया। तो ये किताब जो है जुमला अहादीस रसूल से जो सियाह सीखता है उनमें से मुसद्दका तरीन दुआओं निकाल के इस किताब में जमा की गई है। इसी में जब ये कुछ वाक्या श्री हमने वजफियत तो मैंने बहुत सारे लोगों को दुआ जन करने गए वहाँ एक दुआ भेजी कि अल्लाहुम्मा मुनज़्ज़िल किताब व मुजरी सहाब व आज़म आज़ाब आज़िम मंसूरना अलैहि मिन ज़ालिका अल-हुज़ूर। ये दुआ जो है इतनी लपेट ली वहाँ बहुत सारे युवा मुस्लिम के जवान हैं उनको भेजी है और एक जो तस्वीर उनको भेजी मैंने कि वो उनका कौशल लोगों को चिंता चाहे कुछ नहीं आए तो इतना रबी आला कुल शैन हफीज जो हजरत हूद की तस्वीर थी कि अल्लाह हर चीज़ पर तू निगरान है तो मेरी भी तू निगरानी करना। तो माशाल्लाह ताला रबी ऑल दोस पीपल आर लिविंग दे आर सेफ एंड अल्लाह के फजल करम से things will be sorted out within a month or so and again this country will return to absolute peace and not only here there are obvious things here they will come back to solve some other issues in Pakistan which are still more important baki actually jab Pakistan ki hifazat ki baat koi banda karta hai तो मुझे अजीब सा लगता है क्योंकि ये डेस्टिनी नहीं है पाकिस्तान के लिए स्पष्ट खाना डेस्टिनी नहीं है। पाकिस्तान का तबाह होना अभी डेस्टिनी का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान का खत्म होना अभी डेस्टिनी का हिस्सा नहीं है क्योंकि इसकी कोई डेस्टिनी जो मुरतब इस तरह की गई है जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत नाइन बिन हमाद की हदीस है किताब हमादी में मुरतब हुई है के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अहले हिंद के मुसलमान पहले अहले कुफ्र हिंद से जंग करेंगे और उनके उमरा और रुसा को गिरफ्तार करेंगे। अहले हिंद के मुसलमान पहले अहले कुफ्र हिंद से जंग करेंगे और उनके उमरा और रुसा को गिरफ्तार करेंगे कि शाम में मरियम के बेटे का साथ। तो मेरा ख्याल है अभी इस किस्म की कोई तकलीफ पाकिस्तान के लिए उठी गई ना कोई जालिम और ना कोई अय्यार और मक्कार। आई थिंक दिस इंटीग्रिटी ऑफ दिस कंट्री कैन नॉट बी डैमेज सो सून और सो इजीली। बाकी इस किस्म के हवाले से हमें भी होश में रखना कि 26 साल एक छोटे से मुल्क ने 26 साल एक बैटल लड़ी है और इंतजार के खिलाफ ये आपके सामने श्रीलंका वो अगर हकायक की जाया जाए छोटी सी हुकूमत छोटे से दराय जिसके जिस हकूमत के दुश्मनों को शायद दुनिया के बहुत बड़ी पावरफुल डेमोक्रेसी की मदद हासिल थी इंडिया की मदद हासिल थी उनको और प्रयास आ रहा था इसके बावजूद श्रीलंका सर्वाइव कर ही गया। 26 साल के बाद मिला तो बहुत मुश्किलों में रहेगा। सिमिलरली अगर ये हाल है कि तालिबान यानी को यानी सच फोर्स यानी केस के अंदर डैमेज पाकिस्तान ये भी गलत होगा। द रीजन इज वेरी सिंपल कि तालिबान हैड बीन ए फोर्स हैड बीन ए कंट्री हैड बीन ए पावर। आज तो लोग भागे हुए इधर उधर बिखरे हुए लोग है ना मगर कभी तो उनके पास हुकूमत टैंक उनके पास पावर नहीं गन्स नहीं अपने बड़े थे हैं फिर उन्होंने क्या देखना तो फिर उन्होंने क्या हैंडफुल ऑफ किसी वो अपना उज़्बेक से या उनसे शिकस्त खा दी या नॉर्दर्न अलायंस से शिकस्त खा जब उनके पास एक मुनज़्ज़म ताकत थी और मुनज़्ज़म पावर थी और सोर्सेस थे हुकूमत के तब वो नहीं कुछ कर सके तो अब उन्होंने पाकिस्तान की फोर्सेस को क्या करना है। बट वी मस्ट टेल यू वन कि गिला शिकवा उनसे नहीं होता वी और नो
We all share the responsibility of being criminals to this country. अगर आप इस कारण करें, हमें अपने जराये पर जरूर एहसास होगा। इसलिए कि हमने इस मुल्क के साथ किसी किस्म की कोई मुरावा नहीं की। जो जो मुल्क बने थे अल्लाह के नाम पर, एक इजराइल था, एक पाकिस्तान। इजराइल आप यकीन करो कि इजराइल के एक एक बंदे ने उस मुल्क से वफा की, किसी मुल्क बंदे ने उससे बेवफाई की, उसके मकासद से बेवफाई की। फिर भी वो इतनी बुलंदी तक नहीं पहुंचा जितना पाकिस्तान के कायदे आजम किसी बंदे ने इसके साथ मुश्किल से वफा। निजाम हुकूमत में हर शख्स ने कोशिश किया इस मुल्क को रुसवा करने की, बर्बाद करने की। क्या आपको मेरे को नजर नहीं आता कि इतनी उजाड़ डालने के बावजूद हम आज उससे कहीं ताकतवर ज्यादा जितना इसराइल है? ये देखना पड़ता है कि क्या हिम्मत है कि जब फिरौन पैदा होता है तो उसी की आगोश से मूसा तकलीफ होता है ना। जब ये दज्जाल का फोरहेड क्रिएट हुआ तो उसको दज्जाल को मारने वाले का भी फोरहेड करता। तो पाकिस्तान इज डेस्टिनी इज नॉट सो स्मॉल। आई एम वेरी वेरी श्योर मोर देन माय ओन एग्जिस्टेंस दैट दिस कंट्री इज मेंट टू क्रिएट अ मुस्लिम रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। इट इज नॉट अ स्मॉल कंट्री। हम लोग बुराई का चिल्ला खींचने लगता ऐसे है कि हमने पहले बुराई इंदाज करनी है फिर किसी अच्छाई करनी है। There are, we have seen a great form of corruption, seeking corruption. We have seen everything that has been responsible in this country. Of the Bhagavad Gita, we have seen the Kamal Gita, that this world is against the world, this world is against the world, this world is against the world, Ali Baba and Chali Chol Valindana, someday it is going to get better, inshallah. मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के साइंसदानों ने बड़ी व्यापार किया छोटे उनका और अल्लाह के फजल करम से आपको वो रैंक दे दिया है, वो हैसियत दे दी है। तो अभी नकी मतलब आपको परसों की बात सुना रहा था। माशाल्लाह यंग ऑफिसर बड़े क्वेश्चन करते रहते हैं। उनकी एक नौकरी लगी एक मिजाइल टेस्ट होने में, बाहर से तो बनाया वो 30 लाख का आना था, इन्होंने उसको 10 लाख में बनाया। दे वर फर्दर ट्राइंग टू डू इन्वेस्टिगेशन टू 6 से 9 डिग्री। उसकी कल्पना तो की आजमाई तो उनकी को वाला की ऑफिसरों ने कहा प्रोफेसर दुआ कीजिएगा कि ये कामयाब हो। साथ ही वो मैच भी पड़ा हुआ था 2020 का, मैच भी होना था और ये भी होना था, ये टेस्ट भी होना था। तो एक ही वक्त में आ गए दोनों के, मुझे तो बड़ी बार बार मैसेज आ रहे थे। तो मैंने ना बादशाह आलम बन के कहा बहुत करा दे कर दे। तो वो अच्छा मैच का तो फिर मुझे यकीन था थोड़ा सा, क्योंकि मैंने देखा ये हमारी टीम इंशाअल्लाह नहीं ना देती। उस दिन तबाखना हुई थी ने कहा इंशाअल्लाह, आई वाज 100% श्योर कि ये मैच जीत। क्योंकि अगर आपने देखा हो तो मैच हम वही हारते हैं जो हम कहते हैं हमने बहुत मेहनत की है, हमारे लड़के बहुत अच्छे हैं, हम जल्दी बना रहे थे। मगर जब ये इतिहास से कह रहे ना अगली टीम भी स्ट्रॉन्ग है, मगर ठीक है इंशाअल्लाह अल्लाह के वो लड़ाई था। हमारा कप्तान ना मोटा था, उसमें ये बड़ा वसत था जो कहता आजा भाई की प्लेस में बंदा दूसरे और काफी मैच जीत जाता। अल्लाह ने आप बोलते हैं कुरान में कहा गया पैगंबर हमेशा